लास्ट क्लास में एलसीआर सर्किट कर रहे थे, और एलसीआर सर्किट में मैंने तुम लोगों को एक लास्ट में चलते चलते क्वेश्चन कराया था, वो पूरा नहीं हो पाया था। और वो उसमें जो है मैंने तुम लोगों को फेज डिफरेंस निकालना और इम्पीडेंस निकालना बता दिया था, बट रेजोनेंस मैंने तुम लोगों को खाली इंट्रोड्यूस किया था लेकिन पूरा नहीं बता पाया था। याद आ रहा है कुछ? रेजोनेंस में तुम लोगों को बताया गया था, लेकिन ये तुम लोगों को बता दिया था कि जैसे मान लो कोई एलसीआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट में तुम्हें चीजों को एनालाइज करना है, और तुमने कोई वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाया है, और करंट एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तीनों में सेम जा रही है। तो मैंने तुमको बताया था कि करंट सेम है, वोल्टेज बढ़ता है इंडक्टर में, कैपेसिटर में, रेजिस्टर में, और वो जो वोल्टेज बढ़ता है वीएल वीसी वीआर, ये वोल्टेज ना तो पीक वैल्यू में सेम होता है ना तो फेज में सेम होता है करंट के साथ। ये रेजिस्टर में करंट में सेम फेज में है, इंडक्टर में करंट से 90 डिग्री आगे है, और कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे है। और इस चीज को जब हम किसी मोमेंट पे जोड़ेंगे तो वहां पे हमको इसमें फेजर अलजेब्रा यूज करनी पड़ेगी। और फेजर अलजेब्रा यूज करने के मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये करंट है, ये करंट है, और इसको मैंने दिखाया था यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट आर। ये तुम्हारा देखो आई नॉट है, ये करंट है, और ये आई नॉट आर का तुम्हारा मैंने दिखाया वोल्टेज की पीक वैल्यू। तो जो आई नॉट एक्सएल है वो करंट से 90 डिग्री आगे, और जो आई नॉट एक्ससी है वो करंट से 90 डिग्री पीछे दिखेगा। तो जो आई नॉट एक्सएल और आई नॉट एक्ससी है, इंडक्टर और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है या वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है, उनके बीच में 180 डिग्री डिफरेंस आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई नॉट आर, आई नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। तो जो नेट का जो पीक वैल्यू आएगी वो हम लोगों ने जोड़ी थी आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और वो आई नॉट हटा देंगे इधर से, इधर ले आएंगे वी नॉट बाई आई नॉट। तो जेड निकाल लिया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था कैसा भी सर्किट हो, प्योरली रेजिस्टिव हो, प्योरली कैपेसिटिव हो, प्योरली इंडक्टिव हो, एल आर हो, आरसी हो, एलसी हो, सब में जेड की वैल्यू यही इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सिंगल फॉर्मूला, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ बेटा, सबको इम्पिडेंस निकालना समझ में आ गया था? यस सर, यस अच्छा चलो। तो फिर इसके बाद मैंने फेज डिफरेंस के लिए बताया था, ये तीन फिगर बनाए थे, फिर दिखा रहा हूँ, और उतनी बार दिखाऊंगा जितनी बार तुमको जब तक याद ना हो जाए। आई नॉट बनाओ, आर बनाओ, एक्सएल माइनस एक्ससी बनाओ, आर और एक्सएल माइनस एक्ससी का नेट जेड दिखाओ, जेड का आर के साथ फाई दिखाओ, और इस फाई का अगर कॉस निकालोगे तो कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से आर बाई जेड आएगा। इसका टेन फाई निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से तो एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर आएगा। तो कॉस फाई आर बाई जेड या टेन फाई एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर को इन्वर्स करके, कॉस इन्वर्स या टेन इन्वर्स करके तुम्हें फाई यानी कि फेज डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर तुमको फाई यानी कि फेज डिफरेंस मिल गया तो उस फाई को तुम पावर फैक्टर में कॉस फाई की तरह यूज कर सकते हो, और अभी हम लोग करेंगे भी उसको। और उसके बेसिस पे तीन पॉसिबिलिटी हैं, तीन पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कि हो सकता है कि फाई की वैल्यू पॉजिटिव आए, हो सकता है फाई की वैल्यू निगेटिव आए, हो सकता है फाई की वैल्यू जीरो आए। तो इसके बेसिस पे जब तुम वोल्टेज को लिखोगे करंट से तो या फाई लीडिंग दिखाओगे तो लैगिंग दिखाओगे। बट मैंने इसको बोला था कि तुम ऐसे समझो कि एक वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जा रहा है, एलसीआर सर्किट है, तुमने जेड निकाला, तुमने जेड से आई नॉट की वैल्यू निकाली वी नॉट बाई जेड। अब क्या करना, अब देखना आर एक्सएल एक्ससी में एक्सएल एक्ससी इक्वल है या एक्सएल एक्ससी से बड़ा है या एक्ससी एक्सएल से बड़ा है। पहला केस, अगर एक्सएल एक्ससी के इक्वल है तो एक्सएल एक्ससी के इक्वल है तो ये देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इनके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो तुम्हारी वोल्टेज है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन, वोल्टेज आगे करंट पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो इसे पीछे ले जाओ फाई, फाई वही है कॉस वाई आर बाई जेड या टेन फाई जब एक्सएल माइनस एक्सएल एक्ससी जाता बाई है। आर, जेड की वैल्यू वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। थर्ड केस, अगर एक्ससी एक्सएल से ज्यादा, अगर एक्ससी एक्सएल से ज्यादा हो, कैपेसिटर डोमिनेट करे, तो कैपेसिटर अगर डोमिनेट करेगा तो कैपेसिटिव सर्किट में तो भाई सी आई वी आई एल, कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे चलती है। तो अगर करंट वोल्टेज से आगे चलेगी तो यानी कि इस
में फाई का प्लस कर देंगे, तब फाई हर बार वही निकलेगा, कॉस फाई आर बाय जेड, टेन फाई एक्सएल माइनस एक्स बाय आर, तब हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसका एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने, ये 30, 70, 30, और फिर तुम लोगों से इसकी इक्वेशन भी निकलवाई थी, जेड भी आ गया था, फाई भी निकाल लिया था, ये क्वेश्चन सबको आई थिंक समझ में आ गया था। तो अगली हेडिंग डालो कॉपी में, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, एक हमारे पास एलसीआर सर्किट है, ये हमारे पास एलसीआर सर्किट है, एक सोर्स लगाया गया साइनोसोइडल V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का, और L C R सीरीज में, यानी कि जो करंट इसमें, वो करंट इसमें, वो करंट इसमें। अब रेजोनेंस से पहले मैं तुमको जनरल चीज बताऊं कि अगर हमें पावर निकालना हो तो तुम पावर कैसे निकालते, तो पावर किसी भी सर्किट में, मैंने तुमको जनरल फॉर्मूला करवाया था कि पावर का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल का वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये तो सबको याद होगा, पावर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई। यस सर, ठीक, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड, अब तो निकाल चुके हैं कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड, रख सकते हैं आर बाई जेड। अब मैं देखो दो तरीके से लिखने जा रहा हूं, पहला तरीके में मैं लिखने वाला हूं कि जो जेड होता है वो वी नॉट बाई आई नॉट भी होता है, रूट टू से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस भी होता है। तो मैं यहां पे वी आर एम एस को लिखने जा रहा हूं आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, तो पहले ही से था ये, तो वी आर एम एस की जगह, वी आर एम एस की जगह लिखा है, बाकी तो एज इट इज रखूंगा। तो तुम देखोगे एक चीज कि जेड से जेड कैंसिल हो जा रहा है और ये बन जा रहा है आई आर एम एस का स्क्वायर आर, सरप्राइज, आई आर एम एस का स्क्वायर तो डीसी में फॉर्मूला होता था, यहां पे भी आ रहा है वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई करने के बाद आई आर एम एस का स्क्वायर पावर कंजम्पशन, ये कौन सी चीज है भाई, ये थी करंट जा रही थी आई सब में और ये आई आर एम एस का स्क्वायर आ रहा है। जबकि अभी थोड़ा सा एक एक स्टेप और कर दूं फिर तुमको बताता हूं, अगर मैं यहां पे वी आर एम एस आई आर एम एस को लिखता, आई आर एम एस को लिखता वी आर एम एस अपॉन जेड, वी आर एम एस बाई जेड इंटू आर बाई जेड, ते बनता वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, ये देखो वी स्क्वायर बाई आर नहीं बनना बट आई स्क्वायर आर बनना है, वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई को सॉल्व करके आ रहा है, आई आर एम एस का स्क्वायर बन जा रहा है जैसे डीसी में बनता था बट वी स्क्वायर बाई आर नहीं बनना, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि करंट सेम है या सीरीज में। हाँ, यही तो मैं हर बार बोलता था जब तुम मुझसे पूछते थे, तब यही तो मैं बोलता था कि को करंट सेम है तो हम वो V स्क्वायर बाय R क्यों कर दे, क्योंकि V RMS तो इसका होता है, V RMS ये V RMS सब में कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, वोल्टेज तो बट जा रहा है ना, वोल्टेज तो बट जा रहा है, तो हमें कितना पता है, हमें पहले पता ही नहीं कि इसमें कितना जा रहा है वोल्टेज, कहां से लगा दें इसमें V RMS का स्क्वायर, सारा का वोल्टेज यहां तो ना उठ जा रहा है, सारा वोल्टेज यहाँ नहीं, वोल्टेज यहाँ पे बटा, यहाँ पे बटा, यहाँ पे बटा, लेकिन करंट तीनों में सेम है, इसलिए आई आर एम एस का स्क्वायर तो आ जाएगा क्योंकि वही करंट है जो यहाँ से जा रही है, I इक्वल टू एन एट सोन ओमेगा टी, उसी का आई आर एम एस यहाँ पे, उसी का यहाँ पे, उसी का यहाँ पे, इसलिए आई आर एम एस का स्क्वायर तो आएगा बट वी आर एम एस का स्क्वायर नहीं आता, वो वी आर एम एस बाई जेड का होल स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि वो वोल्टेज देखो बट जा रहा है
और वोल्टेज बढ़ जा रहा है थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, इसीलिए हमें सर्किट में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम नहीं मिल रहा है। सर्किट का पावर फैक्टर कॉस फाई, सर्किट का पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड आ रही है, और जेड जो है वो आर से बड़ा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये जो जेड है वो आर से बड़ा है, तो ये वैल्यू वन से कम है, यानी कि सर्किट में पावर पूरी रेट से कंज्यूम नहीं हो रहा। तो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं एक चीज कि IRMS का स्क्वायर क्यों आ रहा, वो तो समझ में आ गया, और इससे एक चीज और प्रूव होती है कि जो भी पावर कंजम्पशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पे होता है। पावर कंजम्पशन यानी कि पावर का लॉस ओनली एट रजिस्टर होता है। तो तुम बोलोगे अगर ऐसा है तो फिर वी स्क्वायर बाय आर आना चाहिए था, बट दिक्कत ये कि वोल्टेज पूरा का पूरा नहीं यहां नहीं आता, वोल्टेज टूट जाता है, यहां भी आता है यहां पे भी आता है। तुम 220 वोल्ट आरएमएस लगाते हो, वो इसमें भी चला गया इसमें भी चला गया, तो इसके एंड के पास मान लो सिर्फ 85 वोल्ट आया, तो वो पूरी फुल रेट से पावर कंज्यूम नहीं करता। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा तरीका बना दो कि पूरा का पूरा वोल्टेज उठ के यहां पहुंच जाए और वीएलवीसी में ना जाए, सारा वोल्टेज यहां से आ जाए पूरे आर पे, अगर सारा वोल्टेज किसी तरीके से आर पे पहुंचा दिया, तो बस ये जो आर है रजिस्टर है इसको तुम समझ लो एक बल्ब है, और अगर आर एक बल्ब है और बल्ब में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम है, तो बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा, और जब ये बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा तो हम बोलेंगे सर्किट में रेजोनेंस आ गया। जब बल्ब अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा, बल्ब एक रजिस्टर है, तो हम बोलेंगे सर्किट में रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। लिखवाता हूं वो डेफिनेशन अभी, पहले इतना फिगर सब लोग बना लो, इतना लिख लो। सर ये पी एवरेज आई आर एम एस स्क्वायर आर, सर ये तो मैक्सिमम पावर होती है। आई आर एम एस का स्क्वायर हमेशा पावर है, किसी भी एसी सर्किट में हमेशा पावर आई आर एम एस का स्क्वायर से आर से निकाल सकते हो। आई आर एम एस जब निकालोगे, आई आर एम एस जब निकालोगे तो आई आर एम एस को कैसे निकालोगे, तो आई आर एम एस को तुम कैसे निकालोगे तो बता रहा हूं, तुम निकालोगे वी आर एम एस बाई जेड। जेड कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज हैं, वो आईआरएमएस की वैल्यू को, अगर एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आईआरएमएस की वैल्यू को ही कम कर दिए, और आईआरएमएस की वैल्यू को कम कर देने से क्या होगा कि पावर उतना नहीं आ रहा जितना मैक्सिमम आ सकता है। मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम तब आएगा पावर जब ये एक्सएल माइनस एक्सी का टर्म ही जीरो हो जाए, तो जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ये IRMS ज्यादा होगा, और IRMS ज्यादा होगा तो इसका स्क्वायर ज्यादा होगा, तब पावर मैक्सिमम होगी जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। एक परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम तब होता है जब उसकी वैल्यू जीरो होती है, वही तो अगले करने जा रहे हैं। सर ये लेस देन 1 क्यों लिखा था, क्योंकि देखो पावर फैक्टर जो है आर अपॉन ये लिखा, ये वाली चीज जो भी होगी आर से बड़ी होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर बड़ा होगा हमेशा, तो ये वाली वैल्यू हमेशा वन से छोटी आएगी, मतलब अगर एक्सएल माइनस एक्सी जीरो ना हो। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो यहां पे अगर तुम वन मल्टीप्लाई करो और वन से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करो, तो वन से छोटा नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू उतनी नहीं आएगी जितनी मैक्सिमम आ सकती है, मैक्सिमम से कुछ कम रहेगी। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एलसीआर सर्किट अपने पूरी रेट से मैक्सिमम रेट से पावर कंज्यूम नहीं करता है, तो मैक्सिमम रेट से पावर कब कंज्यूम करेगा, वही अगले कराने जा रहे हैं। नॉर्मल स्टेट ये कि वो मैक्सिमम से कुछ कम इफिशियंट, अगर मैं तुमको बोलूं एक टर्म में इफिशियंसी, इफिशियंसी बताता है कि बल्ब अपनी पूरी मैक्सिमम रेट से पावर कंज्यूम करे, और उससे अभी कंपेयर करो तो अभी उससे कम है।
लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, अब मैं कराने जा रहा हूं कि सर्किट में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम कब होगा। तो अभी मुझे नहीं पता रेजोनेंस फिजोनेंस क्या है, मुझे सर्किट में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम चाहिए। तो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं, ये आर है, ये एक्सएल है, ये एक्ससी है। पावर कंजम्पशन में लिख रहा हूं वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। अब ये पावर कंजम्पशन तब मैक्सिमम होगी जब कॉस फाई की वैल्यू वन होगी, यानी कि जब फाई की वैल्यू जीरो होगी। फाई की वैल्यू जीरो कब होगी? तो फाई की वैल्यू जीरो तब आएगी जब ये रजिस्टर है इसी के अलोंग तुम्हारा हम लोग वोल्टेज ले, यही तुम्हारा रजिस्टर है, इसी के अलोंग हम लोग करंट लेते हैं, इसी के अलोंग हम लोग वोल्टेज लेते हैं। और ये इसी के अलोंग वोल्टेज तब आएगा जब ये एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को बैलेंस कर लें, क्योंकि अगर एक्सएल बढ़ा हुआ तो या तो इधर आएगा, एक्सएल बढ़ा हुआ तो नेट इधर आएगा, एक्ससी बढ़ा हुआ तो नेट इधर आएगा। लेकिन हमें ना एक्सएल की तरफ चाहिए, ना तो इधर चाहिए ना इधर चाहिए, फेज डिफरेंस तो जीरो चाहिए, ना हमें पॉजिटिव चाहिए ना नेगेटिव चाहिए, तो फेज डिफरेंस जीरो चाहिए। और वो तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो, सर्किट में इंडक्टर भी हो कैपेसिटर भी हो, बट एक दूसरे को बैलेंस कर दे, क्योंकि ये 180 डिग्री पे होते हैं, फेज पे अपोजिट होते हैं। तो अगर एक्सएल एक्ससी की वैल्यू सेम हो जाए ओम में, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ये सर्किट जो होगा उसमें जो जेड होगा, जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, उसमें और अगर एक्सएल और एक्ससी सेम हो गए तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो सर्किट में जेड के नाम पे सिर्फ आर बचेगा, तो एक्सएल एक्ससी गए नहीं, प्रेजेंट है सर्किट में, लेकिन ये जो सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव बन जाएगा। और प्योरली रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाते हैं, और सेम पेज में आने का मतलब है कि फाई जीरो हो जाएगा, कॉस फाई वन हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, कॉस फाई वन हो गया, पावर फैक्टर वन बन गया, तो सर्किट में पावर मैक्सिमम रेट से कंज्यूम होगा, पावर कंजम्पशन एट मैक्सिमम रेट होगा। और अगर पावर कंज्यूम होगा एट मैक्सिमम रेट पे, और वो भी कहां पर? रजिस्टर पे। रजिस्टर मतलब बल्ब में पावर, बल्ब में पावर मैक्सिमम रेट से कंजम, तो बल्ब मैक्सिमम रेट से जलेगा। या फिर मान लो मेरा एलसीआर सर्किट में जो रजिस्टर है वो बल्ब का नहीं, वो एक अलार्म का है, वो एक अलार्म है और वो अलार्म का काम कर रहा है, तो अलार्म मैक्सिमम रेट से बजेगा, साउंड की एनर्जी सबसे ज्यादा पैदा करेगा। अगर बल्ब है तो लाइट ब्राइटनेस सबसे ज्यादा देगा, अगर हीटर है तो सबसे ज्यादा हीट पैदा करेगा। तो अगर एक एलसीआर सर्किट में तुम किसी भी तरीके से एक्सएल एक्ससी की वैल्यू सेम कर दो, तो सर्किट में पावर मैक्सिमम रेट से कंज्यूम होने लगता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाती है। सेम फेज को ही, करंट और वोल्टेज को सेम फेज में आने को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, क्योंकि जब रेजोनेंस आ जाता है तो सर्किट में पावर मैक्सिमम रेट से कंज्यूम होने लगती है। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर कंजम्पशन या पावर कंजम्पशन एट मैक्सिमम रेट। और रेजोनेंस के कई मतलब है, पावर मैक्सिमम रेट से कंज्यूम होगी, करंट वोल्टेज सेम भी होंगे, सेम फेज में होंगे, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा, पावर फैक्टर वन बन जाएगा। और क्या क्या होगा? तो और देखो, बता रहा हूं क्या क्या होगा। अगर रेजोनेंस आ गया, फेज डिफरेंस जीरो, पावर फैक्टर वन, पावर अपने मैक्सिमम रेट से कंज्यूम होगी, जेड के नाम पे सर्किट में आर बचेगा, आई आर एम एस जिसको तुम बोलते थे वी आर एम एस बाई जेड, वो जेड के नाम पे सिर्फ आर बचा है, तो आई आर एम एस बन जाएगा वी आर एम एस बाई आर। तो जो पावर का मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा था, जो मैं पावर का भी फॉर्मूला लिख रहा था, उस पावर के फॉर्मूले को मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, ये पावर के फॉर्मूले को मैं दोबारा यहां पे लिखने जा रहा हूं। और देखो क्या आएगा, वो पावर में अभी लिख रहा था थोड़ी देर पहले वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई, तो वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई की वैल्यू वन। अब देखो दूसरी, वी आर एम एस को आई आर एम एस इंटू जेड लिख सकते हैं, लिख रहा हूं, तो आई आर एम एस जेड, जेड की वैल्यू कितनी? आर। अब एक और चीज देखो, आई आर एम एस को वी आर एम एस बाई जेड लिख सकते हैं, जेड की वैल्यू यहाँ पे आर है, तो ये बन जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। देखो आ गया,
तो ये आई स्क्वायर आर भी लग जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर भी लग जाएगा, लेकिन तब जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो। और इसका मतलब क्या, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर, अभी तो नहीं आ रहा था ये, वी आर एम एस बाई जेड का होल स्क्वायर आर, इसमें तो वी आर एम एस का बाई जेड का होल स्क्वायर आर करने से जो वैल्यू आएगी वो उतनी नहीं आएगी, अब ज्यादा आ रही है। ये क्या हो रहा है, वी आर एम एस ये तो डीसी की तरह आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि वी आर एम एस पूरा का पूरा उठा के रजिस्टर पे पहुंच गया। ये वी आर एम एस पहले बटता था, तो बटने से क्या होता था कि इसका कुछ एक फ्रैक्शन, एक टुकड़ा यहाँ पे बल्ब के पास पहुंचता, तो बल्ब उतने ही वोल्टेज से कितना जल लेगा। अब पूरा का पूरा वोल्टेज उठ के यहाँ पहुंचा है, ये देखो वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर आ रहा है तुम्हारे सामने, ये आ रहा था वी आर एम एस बाई जेड का होल स्क्वायर आर, तो ये उतनी वैल्यू तो नहीं थी, अभी आ रहा वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर, ये ज्यादा आ रहा है। सारा का सारा वोल्टेज उठ के यहाँ पे कब पहुंचेगा, सारा का सारा वोल्टेज उठ के तभी पहुंच सकता है जब एल ओ सी कोई वोल्टेज ही ना कंज्यूम करे। मतलब एल ओ सी कब वोल्टेज नहीं कंज्यूम करेंगे भाई, सर्किट में है तो कंज्यूम तो करेंगे करेंगे, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होने से ये वी आर है। अगर एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा तो वी एल वी सी के इक्वल होगा, वी एल वी सी कब, वी एल क्या होता है भाई, आई एक्सएल होता है या आई एक्ससी होता है, एक्सएल एक्ससी सेम है सीरीज में है, तो एक्सएल एक्ससी सेम है तो आई एक्सएल भी आई एक्ससी के सेम होगा। ये दोनों वी एल और वी सी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देने से इन दोनों का नेट जीरो हो जाएगा, सारा का सारा वोल्टेज उठ के रजिस्टर पे पहुंच जाएगा। रेजोनेंस तब आता है जब सारा वोल्टेज इंडक्टर कैपेसिटर में बैलेंस होने के बाद सारा का सारा वोल्टेज उठ के रजिस्टर पे पहुंच जाता है, रजिस्टर फुल रेट से मैक्सिमम रेट से पावर कंज्यूम करने लगता है। उसको तुम चाहे आई आर एम एस का स्क्वायर आर बोल दो, चाहे वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर बोल दो, ये आई आर एम एस का स्क्वायर तो हर एसी सर्किट में लगता है, लेकिन वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की स्टेट पे लगता है। और ऐसा कब होगा, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो, या वी एल इज इक्वल टू वी सी हो, या जब एक्सएल यानी कि ओमेगा एल एक्ससी यानी कि वन अपॉन ओमेगा सी हो, या इधर ले आओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉन एल सी हो, या ओमेगा की वैल्यू यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट एल सी हो, इस फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी वन अपॉन अंडर रूट एल सी हो, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजोनेट करने लगता है, मैक्सिमम रेट से पावर कंज्यूम करने लगता है। रेजोनेंस इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन एट मैक्सिमम रेट को रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, किसी चीज को रेजोनेंस याद है, क्लास 11 में रेजोनेंस पढ़ा था। जैसे मान लो एक बंदा झूल रहा है, झूला स्विंग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स भी 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का लगा दो, किसी सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो तुम बोलते हो कि रेजोनेंस आ जाता है, तो सर्किट में मैक्सिमम बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन होने लगते हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक वोल्टेज था और एक करंट था, इन दोनों के बीच में दोनों साइनोसॉइडल थे, दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस था। जैसे ही दोनों सेम फेज में आ जाए, वोल्टेज और करंट एलओसी होने के बावजूद सेम फेज में आ जाए, तो सर्किट अपनी मैक्सिमम रेट से पावर कंज्यूम करने लगता है, ज्यादा एनर्जी के वाइब्रेशन होने लगेंगे, ज्यादा एनर्जी को ऑसिलेशन होने लगेंगे, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस क्लास 11th में भी मैक्सिमम पावर था, क्लास 12th में भी मैक्सिमम पावर है। वहां पे भी हम बोलते थे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होना, यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फेज मैच होना बोल रहे हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई वोल्टेज कंज्यूम ही नहीं हो रही है? इंडक्टर में अलग से हो रही है, कैपेसिटर में अलग से हो रही है, बट दोनों का नेट जीरो है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज ये देखो, पीछे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक का वोल्टेज
एक का वोल्टेज, ये वोल्टेज ही लिखा हुआ है VLVC, एक का वोल्टेज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है, तो एक का वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, एक 90 डिग्री पीछे एक 90 डिग्री आगे है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है, और 180 डिग्री का डिफरेंस है कि जब जब VL प्लस होगा तब तब VC माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तब ये प्लस होगा, और अब बस बात बराबर होने की होगा, बराबर हो गए तो बराबर चीजें इक्वल एंड अपोजिट जोड़ोगे तो नेट कितना आएगा, जीरो। हाँ बस यही हो रहा है, यही हो रहा है। ओके सर, यही हमें समझने की जरूरत है कि ये जो है जो हमारा सर्किट है उसमें रेजोनेंस जो है मैक्सिमम पावर कंजम्पशन तब होता है या तो फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाए 1/LC, और ये तभी होगी फ्रीक्वेंसी तब ऐसी जब इस पे वोल्टेज एक दूसरे को बैलेंस कर दे, XL=XC हो जाए, और उस समय सर्किट में पावर मैक्सिमम रेट से कंज्यूम होती है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। तो उस समय IRMS का स्क्वायर भी R भी लगा सकते हो, VRMS का स्क्वायर भी R भी लगा सकते हो, पावर फैक्टर 1 हो जाता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाते हैं। अभी कराऊंगा, अभी तुम लोगों को रेजोनेंस के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। सर ये वोल्टेज कैंसिल कर देते हैं, मतलब जो एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं ना, तो वही बढ़ जाता है। ये एक्चुअली वोल्टेज कैंसिल करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी मोमेंट पे इंडक्टर में मान लो प्लस 5 वोल्ट है, तो उस मोमेंट पे कैपेसिटर में माइनस 5 वोल्ट आ रहा होगा, जब इंडक्टर पे माइनस 5 आ रहा होगा तो कैपेसिटर पे प्लस 5 आ रहा होगा, तो दोनों का नेट वोल्टेज जुड़ के जीरो हो जाता है, सारा वोल्टेज रेजिस्टर पे पहुंच जाता है, क्योंकि वोल्टेज साइनोसॉइडल ना, साइन की थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, और अपोजिट का मतलब ही है 180 डिग्री का। जैसे 180 डिग्री में क्या बोलता था, कई बार याद करो मैंने जब शुरुआत में क्लास ली, 180 डिग्री क्या बोलता था, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो जब VL प्लस होगा तो VC उतना ही माइनस हो रहा है, उतना इसलिए हो रहा है ना क्योंकि XL-XC की वैल्यू सेम है, तो जितना IXL होगा क्योंकि सीरीज है तो आई तो दोनों सेम है, तो IXL जितनी वैल्यू देगा IXC उतनी वैल्यू दे रहा है, बट एक प्लस एक माइनस, तो एक प्लस टू माइनस टू, एक प्लस थ्री एक माइनस थ्री, एक प्लस फाइव एक माइनस फाइव, फिर ये कम हुआ प्लस फोर ये माइनस फोर, ये जीरो ये जीरो, फिर ये माइनस तो ये प्लस, नेट जुड़ के जीरो हो गया इनका वोल्टेज, क्योंकि इनकी प्लस माइनस तो हो ही नहीं सकती ना वैल्यू वोल्टेज की, एसी है ना, तो आधी साइकिल प्लस आधी साइकिल माइनस होती है, जब इसकी आधी साइकिल प्लस की है तो इसकी आधी साइकिल माइनस की है, जब इसकी आधी साइकिल माइनस की है तो इसकी प्लस की है, ऐसे बिल्कुल उल्टा उल्टा 180 डिग्री वैल्यू एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अच्छा, वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो एक बड़ा एक छोटा हो जाए, तो एक प्लस 5 है तो एक माइनस 3 है, तब नेट जीरो नहीं होगा, तब थोड़ा बचा रहेगा, तो फिर वो वोल्टेज यहां पे भी आएगा और फिर रजिस्टर में भी जाएगा, तो फिर बढ़ गया। ये जरूर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC, तुम लोग पहली बार पढ़ रहे होगे, ओमेगा रेजोनेंट 1/√LC। बोले बेटा आगे बढ़े, लिख लिया सबने? यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, ये एक LCR सर्किट है, LCR बना देता हूं, और यहां पे ये AC सोर्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पहला। इस LCR सर्किट में मैंने बोला कि ये रेजोनेंस की स्टेट पे है,
अब मैं यहाँ पे वोल्टमीटर लगा रहा हूँ और हॉट वायर वोल्टमीटर ही है, तो इसमें हॉट वायर वोल्टमीटर जो एसी में यूज किया थे वो प्रॉपर रीडिंग वीडिंग देते हैं वैसे वाले। एक मैंने वोल्टमीटर लगाया एल के अक्रॉस, और एल के अक्रॉस जो वोल्टमीटर लगाया उसका नाम है V1। एक मैंने सी के अक्रॉस लगाया, उसका वोल्टमीटर का नाम है V2। एक मैंने इसके अक्रॉस लगाया, इसके नाम है V3। और एक मैंने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया था, तो ऑफ कोर्स आरएमएस वैल्यू दे रहा होगा, तो वो आरएमएस वैल्यू दे रहा है 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट यहाँ पे तो खैर देगा ही देगा, ये हमारा सोर्स है, 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। V1 V2 V3 में जो कैपेसिटर वाला V2 है ये 50 वोल्ट की वैल्यू दे रहा है। अब एक वोल्ट मीटर में और दिखा देता हूं, एक और है वोल्ट मीटर, वो क्या कर रहा है, एल ओ सी दोनों ऐसे लगा है, ऐसे ऐसे और इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा है, ऐसे लगा है। इसका मैं नाम रख देता हूं V1 V2 V3 V4। मैंने तुमको ये 220 वोल्ट बता दिया, 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दे रहा है, आरएमएस रीड करता है। V3 V2 V1 V2 दे रखा है, तुम मुझे बताओगे V1 कितनी रीडिंग देगा, V3 कितनी रीडिंग देगा, V4 कितनी रीडिंग देगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सामने देखो ये क्वेश्चन है, इसको रीड करके बताओ मुझे V1 कितनी देगा, V3 कितनी देगा, V4 कितनी देगा, सर्किट रेजोनेंस में। V1 -50 देगा, V4 0 देगा और V3 जो है वो 220। वेरी गुड, बस एक करेक्शन देखो, बाकी लोग भी सोच लो, मतलब उसने दिया बिल्कुल सही दिया आंसर, बस उसमें थोड़ा सा एक माइनर करेक्शन है, लेकिन बाकी लोग भी सोच लो, बोलो सहमत हो उसकी बात से, एग्री कर रहे हो या अपना कुछ बोलना चाहते हो, सोच लो आराम से। रेजोनेंस में मैं फिगर बना दे रहा हूं, आई वी आर वी एल वी सी। रेजोनेंस तभी आता है जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो, यानी कि वी एल वी सी एक दूसरे को बैलेंस कर दे। तो अगर तुमको वी सी 50 वोल्ट दे रखा है तो जो वी एल है वो कितना होगा बेटा, वो भी वैल्यू में 50 देगा, वो माइनस 50 नहीं देता क्योंकि वो हॉट वायर है ना, वो खाली नंबर बताता है ना, तो माइनस नहीं, वो आरएमएस वैल्यू बताता है, आरएमएस वैल्यू तो प्लस ही होती है। हाँ फेजर टर्म से बोलोगे तो अगर वो प्लस 50 है तो माइनस 50 है, बट ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही बताई जाती है। ये भी 50 वोल्ट देगा, ये भी 50 वोल्ट देगा, ये अलग बात है कि वो जितने एंगल पे देगा उससे 180 डिग्री के एंगल पे ये देगा, तो दोनों की वैल्यू 50 आएगी, V1 की वैल्यू भी 50 आएगी। पहले बताओ बेटा ये समझ पा रहे हो, जितना कैपेसिटर का था उतना ही इंडक्टर का देगा, तभी तो VL is equal to VC होगा, रेजोनेंस का मतलब ही VL is equal to VC। अब एक बात बताओ V4 क्या है, फिर V4 क्या है, जीरो। हाँ V4 है LOC का, LOC का कॉम्बिनेशन का, V4 है LC के कॉम्बिनेशन का, और LC के कॉम्बिनेशन में नेट वोल्टेज कितना बोलोगे, VL माइनस VC, और जब दोनों इक्वली हैं और अपोजिट हैं तो उसका नेट कितना होगा, जीरो, V4 जीरो रीडिंग देगा। तो अब बताओ 220 वोल्ट तुमने जो लगाए थे वो इधर गए 50, इधर भी गए 50, बट दोनों नेट जीरो, तो बाकी तो फिर यहां पूरे 220 में जीरो तो गया, 220 में से कुछ निकले ही नहीं, 50 इधर 50 इधर, इनका नेट जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा 220 उठ के रजिस्टर पे पहुंच गया। तो यानी कि जो ये V3 है रजिस्टर पे जो लगा हुआ है ये कितनी रीडिंग देगा, 220। हाँ यही होता है रेजोनेंस में, सारा वोल्टेज उठ के यहां पहुंच गया, इंडक्टर में इंडिविजुअली है, कैपेसिटर में भी इंडिविजुअली है, बट उनका नेट जीरो है और सारा वोल्टेज यहां पहुंच जाता है, यही कहलाता है स्टेट ऑफ रेजोनेंस, यही होता है रेजोनेंस। अब समझे, तो सर्किट मैक्सिमम पावर क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि नॉर्मली ये वोल्टेज बढ़ जाता है इधर इधर इधर, तो इसके पास बेचारे के पास कुछ कम बचता है, तो अब ये कितना, जितना वोल्टेज जो बटा होगा, बच टूटने के बाद जो बचा होगा उसके लिए तुम V स्क्वायर बाय R करोगे, कर सकते हो जो, लेकिन ये वाला V स्क्वायर बाय R नहीं 220 स्क्वायर बाय R नहीं, 220 का एक टुकड़ा मान लो 100 वोल्ट पहुंचे तो 100 स्क्वायर बाय R से निकाल सकते हो पावर, बट हमें तो पता ही नहीं ना कि कितना वोल्टेज यहां पे पहुंच रहा है, टूट के पहुंचेगा कुछ तो वो कम है। अब अगर पूरा वोल्टेज यहां पहुंच जाए 220 का स्क्वायर बाय R और 220 का एक टुकड़ा यहां पे पहुंचे तो ऑब्वियसली 220 पूरा पहुंच जाएगा तो पावर ज्यादा ही पहुंचेगी, इसके पास पावर ज्यादा आएगी, बस उसी को रेजोनेंस कहते हैं जब ये VL VC एक दूसरे को बैलेंस कर ले। बोलो बेटा समझ में आया, ये फिगर अपनी कॉपी में बना लो, लिख लो ये क्वेश्चन, एग्जांपल समझने के लिए अच्छा था, रेजोनेंस और कराता हूं एग्जांपल।
सर ये माइनस 50 क्यों नहीं लगाएंगे, इसका क्या रीजन बताओ? बेटा ये आरएमएस वैल्यू हॉट वायर है। अच्छा एक बात बताओ, हॉट वायर जो है वो हीट से, हीट में डायरेक्शन आती है क्या? हीट को डायरेक्शन से मतलब है गर्मी को? नो सर। हाँ ये हॉट वायर गैल्वेनोमीटर होता नहीं, हीट से मतलब है, माइनस का मतलब यही तो ना कि कोई डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखते हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, वो तो वैल्यू देखते हैं, उनको हीट से मतलब है, तो उनको तो बस वैल्यू दे देनी है, वो तो हमारे लिए है मैटर उनका कि फेजर में अपोजिट होते हैं, बट ये हॉट वायर गैल्वेनोमीटर तो हीट पे चलते हैं ना, तो वो खाली नंबर बताते हैं, वो भी आरएमएस वैल्यू। और ये 50 वोल्ट कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है सर्किट के सब अंडर रूट वी स्क्वायर डीटी अपॉन इंटीग्रल डीटी वाला, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अपोजिट होती हैं। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक चलो और कराता हूँ, ये लिख लिया सब ने? यस सर। ठीक तो और कराता हूँ, तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस हाँ सर। ठीक इसको करो, जरूरी नहीं रेजोनेंस में हो। ये क्वेश्चन है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1, ये V1 है, ये L है और C है, ये L है ये C है, LC के अक्रॉस जो V1 है वो RMS देता बेटा, 40 वोल्ट दे रहा है, और वोल्ट मीटर V2 की रीडिंग पहुंचा है R के अक्रॉस पूछा है, और ये 50√2 sin ओमेगा टी दे रखा है। सर 10 वोल्ट? 10 वोल्ट नहीं मुन्ना, तुमने क्या सीधे सीधे जोड़ दिया, भूल गए फेजर होते हैं, एंगल्स होता है इनके बीच में। यस सर 1 मिनट। सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। चलो मैं चलने जा रहा हूँ, ठीक है? ये जो 50√2 साइन ओमेगा टी है ये मेरा नेट वोल्टेज है। अब मुझे बेटा ये बताओ ये 50√2 क्या है, आरएमएस है कि V0 है? V0 है। V0 है तो ये V0, और ये जो V1 V2 रीड करते हैं ये क्या रीड करते हैं? आरएमएस। मैंने तुम लोगों को रटवा दिया था कि वोल्ट मीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करता है, आरएमएस इफेक्टिव वैल्यू है, तो सबसे पहले इसका आरएमएस निकालो, V0 से नहीं, इसका आरएमएस होगा 50 वोल्ट, V0/√2, 50√2/√2, 50 वोल्ट इसके आरएमएस है। अब आरएमएस के टर्म्स में सारी बात करो, अगर इसका आरएमएस ले रहे हो, इसका आरएमएस ले रहे हो, नेट का भी तो आरएमएस लोगे, नेट का पीक से थोड़ी ना करोगे, ठीक है? तो ये मैं बना रहा हूं बेटा, ये है वीआर जो मुझे नहीं पता, वीआर का आरएमएस, ये वीएल का, ये है वीसी का, और नेट वोल्टेज कैसे निकालोगे? तो वीआर VL माइनस VC और ये आता है नेट, और ये नेट कितना होता है बेटा? तो ये नेट होता है अंडर रूट, वोल्टेज में भी बेटा यही फेजर की तरह होता है, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में बेटा मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं है, तो ये कौन से वोल्टेज है? तो ये फेजर पीक के लिए बनता है, पीक यानी कि एम्पलीट्यूड, यानी कि नॉट वाली वैल्यू के लिए, नॉट वाली वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड के लिए, या बेटा अगर तुम दोनों साइड आरएमएस √2 से डिवाइड कर दो, है ना, ये सब पीक है,
रूट टू, इसका भी रूट टू, इसका भी रूट टू, इसका भी रूट टू, ये जो इक्वेशन लिखी इसमें LHS में भी रूट टू, RHS में भी रूट टू से डिवाइड कर दो, तो ये सब रूट टू इधर नीचे अंदर आके स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका जब तुम पीक बाई रूट टू करोगे तो RMS वैल्यू बन जाएगी। तो या तो ये RMS वैल्यू के लिए, भाई दोनों साइड अगर रूट टू से कर दो तो इनकी भी RMS वैल्यू आएगी, इनकी भी RMS वैल्यू आएगी, मतलब नेट वोल्टेज के RMS का स्क्वायर, रेजिस्टेंस के RMS का स्क्वायर, प्लस इंडक्टर माइनस कैपेसिटर के RMS के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। तो अब देखो नेट वोल्टेज का RMS हमारा 50 था, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये वी टू है, ये वी टू है, और तुमको LOC का अलग अलग नहीं पता, बट नेट ये जो है ना ये LOC का नेट बता रहा है, तो ये ना VL बता रहा है, ना VC बता रहा है, ना ये VL प्लस VC बता रहा है, ये जो है ये जो 40 वोल्ट है किसकी वैल्यू है, ये 40 वोल्ट ना VL है ना ये VL है ना ये VC है ना ये VL प्लस VC है, तो ये किसकी वैल्यू है, ना ये अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर है, ये VL और VC का फेजर सम है, और VL और VC अपोजिट होते हैं 180 डिग्री पे, तो ये VL माइनस VC का मॉड है। हो सकता है कैपेसिटर बड़ा, हो सकता है इंडक्टर बड़ा, हमें तो पता नहीं, देख के कैसे बता दे फिगर में, हमें नहीं पता। तो ये मॉड है VL माइनस VC का, जो कि 40 वोल्ट है। तो बेटा खुद ही बताओ, अब तो दिख रहा है सर में ये 40 है, ये 50 है, ये 40 है, तो बचा खाली ये वाली ब्रांच कितने की होगी, 30, हाँ 30 वोल्ट। बोलो बेटा सबको समझ में आ रहा है, yes. ठीक, अगर ये सबको समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन में मैं अपने अपने मन से एडिशनल क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सब लोगों का इतना हो गया, yes, yes. तो मुझे इसमें बताओ cos phi की वैल्यू कितनी है, cos phi, यही तो है phi, cos phi बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि फेज डिफरेंस सर्किट में कितना होगा, बोलो यही होगा, अच्छा तो इसका मतलब पावर फैक्टर 3/5 है। अब यहाँ पे और तो कुछ दिया नहीं, वोल्टेज दिए थे मुझे, अब मैं तुम लोगों से अगर पूछता करंट वगैरह तो इसके लिए तुमको जेड की वैल्यू चाहिए होती, जेड कहते हैं, लेकिन फेज डिफरेंस तुम बता सकते हैं इस सर्किट में 53 डिग्री होगा। चलो अगर ये समझ में आ गया तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, ये करो, ये करो सब लोग, और इसमें मैं जोड़ देता हूं कुछ क्वेश्चन और, इसमें तो सब दे रखा 220 वोल्ट RMS है, तो XLR XC तुमको पावर फैक्टर पूछा है, यानी कि cos phi पूछा है, तो मुझे बताओ cos phi बताओ, phi बताओ, IRMS बताओ, I नॉट बताओ, करंट का फंक्शन बताओ टाइम के साथ, वोल्टेज का फंक्शन दे रखा है, RMS है, तो ये हो जाएगा 220 रूट टू, 50 हर्ट्ज पे ये sin 100 pi t बन जाता है, तो मुझे करंट का फंक्शन बताओ टाइम के साथ, और वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बनाओ, मुझे ये बताओ लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। अच्छा लीडिंग लैगिंग तुम सामने सामने देख के भी बता सकते हो, बट स्टिल आराम से बताओ, वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बताओ, और ये बताओ कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, फिर मुझे बताओ कि इस सर्किट में 3/5, हाँ अभी करते हैं सारे कर लो, लीड करेगा लैग करेगा, फिर मुझे इस सर्किट में बताओ कि पावर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन साइकिल कितना आएगा, इंपीडेंस जेड कितना आएगा, सारी चीजें बतानी, एक्सएल माइनस एक्सी 100 में से 20 के 80 60 80 100 वाला 3/4/5 वाला ही ट्रायंगल दोबारा बन जाएगा।
किसी का हो गया तीनों मतलब सारी चीजें, सिक्सटी हंड्रेड ट्वेंटी ओम में है, इम्पीडेंस डायग्राम बनाओ। फाई जो है वो 3/5 आएगा और फाई जो है वो 37 डिग्री। यस अच्छा अच्छा, जेड वेड निकाल लिया? यस यस सर, 100 हाँ 80-60 जेड, ऐसे ही फेजर डायग्राम बन रहा है, जेड 100 ओम आ रहा है। यस सर, अंडर रूट 80 स्क्वायर पर 60 स्क्वायर, तो बस तो तुम्हारा फेज डिफरेंस भी आ गया होगा वहीं से, cos y r y z, तो 60 अपॉन 100 बेटा ये आएगा 3 अपॉन 5 साइन की वैल्यू 4/5 तो 53 डिग्री। और अब ये बताओ कौन लीड कर रहा कौन लैग कर रहा है, एक्सएल एक्सी से बड़ा है, एक्सएल एक्सी से बड़ा है, इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में सी आई वी आई एल, इंडक्टर में वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो करंट पीछे, तो ये वोल्टेज तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, करंट को पीछे बनाना है, इसकी करंट की इक्वेशन अगर मुझे बता दो तो तुम पूरा सर्किट समझ गए। बोलो पूरी इक्वेशन बोलो कितनी, I is equal to I not, I not कितना V not by Z, V not तुम्हारे सामने 220 root 2, Z कितना 100, यानी कि I not 2.2 root 2। Yes sir। Sine, अब मुझे सिर्फ ये बता दो 100 पाई टी लिख के छोड़ दें, 100 पाई टी प्लस 53 करें कि माइनस 53 करें? माइनस 53। इंडक्टर में वोल्टेज आगे, तो ये आगे जो लिखा वो आगे, तो अब जो लिखना वो पीछे करना है, माइनस 53 करना, बट बेटा ये अगर लिखना सीख गए तो तुम सब सीख गए, और इसका मतलब ये अगर ये सीख गए तो तुम आई नॉट आई आर एम एस सब निकाल सकते हो, निकाल ही लिया होगा, ये आई आर एम एस है, सॉरी आई नॉट है, आई आर एम एस 2.2 आ रही होगी, ये 2.2 root 2 है, phi दिख ही रहा है तुम्हारे सामने लिखा 53, cos phi लिखा है, current is a function of time हो ही गई है, phasor diagram, current और voltage का, तो ये तो impedance का है, current और voltage का मैं बना दे रहा हूँ, अभी बना दे रहा हूँ, उसमें क्या है, ये दिखाओ बेटा, current, current को reference मान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये inductor है तो voltage आगे आगे दिखा दो, ये दिखा दो VR, ये है VR, ये है VL, ये है VL, दो दो क्यों आ रहे, ये है VL, ये है VC, ये बना देते हैं, ये है VR, ये VL, ये क्यों भाग रहा है ऐसा, अगले पेज बना देते हैं, ये है VR, ये है VL, ये है VC, तो VR ये हो गया हमारा VL माइनस VC, और नेट वोल्टेज हो गया बेटा ये V नेट, और ये है हमारी करंट, रजिस्टर में करंट वोल्टेज सेम फेज, और ये हो गया वोल्टेज, phi इज इक्वल टू 53 आया था, 53 डिग्री वोल्टेज करंट से आगे, यानी कि करंट वोल्टेज से पीछे, ये है वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बनाओ, लीडिंग या लैगिंग, तो करंट वोल्टेज से 53 डिग्री लैग कर रहे, हाँ लैग कर रहे, पावर और जेड, जेड तो आ ही गया था सबसे पहले, इनसे स्टार्ट किया था 100 ओम से, पावर बताओ कितनी आ रही है VRMS RMS cos phi से। अब मैं तुमको एक चीज एक टास्क दे रहा हूं, सब लोग प्लीज ये करना, तुम VRMS RMS cos phi से भी निकालना, cos phi की वैल्यू रख के तुम IRMS का स्क्वायर R से भी निकालना, IRMS का स्क्वायर R से भी निकालना, और तुम VRMS अपॉन Z का होल स्क्वायर R से भी निकालना, और तीनों से देखना वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही, बस ये लास्ट बार करा रहा हूँ, उसके बाद ये तीनों से नहीं निकालना, उसके बाद तो किसी भी एक से निकालना, बट इसलिए करवा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि तीनों से वैल्यू सेम आएगी, VRMS RMS cos phi से भी निकालना, IRMS का स्क्वायर आर से भी निकालना, VRMS / Z का होल स्क्वायर आर से भी निकालना, और तीनों से देखना पावर सेम आ रहा होगा।
बस वही बताना था। ये देखो सीधे सीधे दिख रहा, IRMS का स्क्वायर भी 2.2 का होल स्क्वायर 60 है और VRMS 220 है, जेड 100 है, तो VRMS बाय जेड का होल स्क्वायर इनटू R 60 करोगे तो देखो तब भी वही आ रहा है, वो अपने आप ही 2.2 का होल स्क्वायर इनटू 60 बन जा रहा है। जबकि अगर गलती से तुम VRMS का स्क्वायर बाय R करोगे देखना तब ये नहीं मैच करेगा, ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा, ये तीनों मैच करेंगे, ये मैच नहीं करेगा चौथा, चौथा भी देख लेना ये मैच नहीं कर रहा होगा। फिर पिछला पेज दिखा दीजिए सर। इसकी यूनिट क्या होगी? पावर की अगर सब वोल्ट और एम्पियर में है तो वाट में होगा। वाट? हाँ जी, वोल्ट में है तुमने सब ओम में लिया है तो एम्पियर है, और वोल्ट इनटू एम्पियर वाट होता है, P=VI। सर ये कैसे पता चला कि वोल्टेज की वैल्यू RMS दी हुई है? वोल्टेज की वैल्यू RMS, अच्छा जितने भी वोल्ट किसी ने रीड किया होगा इसका मतलब, और कौन सा वोल्ट मीटर रीड करता है? हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर जब सर्किट में लगता है तो वो क्या रीड करता है? RMS। हाँ, और कोई जो भी वोल्ट मीटर सर्किट में यूज करते तो सबसे पहली चीज यही बताई थी कि अगर कोई भी वोल्ट मीटर अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो जीरो देगा, और अगर हॉट वायर वोल्ट मीटर सर्किट की RMS ही देता है, इसीलिए तो RMS को इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं सर्किट की, एक ही वैल्यू सर्किट की दी जा सकती है, वो जो वेरिएबल है उसकी RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू थोड़ी ना, और कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ उसे वोल्ट मीटर RMS वैल्यू रीड करते हैं, इसीलिए तो उसको इफेक्टिवली बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। करंट की भी अगर कहीं रीड कर रहा है हॉट वायर मीटर तो RMS वैल्यू रीड करेगा। सारी कहानी हमने यहीं से स्टार्ट की थी। ये देखो सबसे पहले बताया था टोली रेजिस्टिव सर्किट, ये देखो टोली रेजिस्टिव सर्किट पहला, ये देखो ये वाला पेज देखो बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग देते हैं, और हम सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं हॉट वायर गैल्वेनोमीटर जो हीट पे चलते हैं, इसीलिए वो माइनस प्लस नहीं देते क्योंकि हीट को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हीट जो सेंस करेगा क्योंकि हीट तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर है, तो वो आई स्क्वायर या वी स्क्वायर का पूरी साइकिल का एवरेज लेगा, और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ RMS वैल्यू रीड करता है, इसीलिए हम लोग RMS को इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, तो कहीं पे भी एक सिंगल इफेक्टिव वैल्यू दे रखी हो तो हमेशा RMS दी होती है। ओके यस सर। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन सबका हो गया हो तो मुझे बताओ पावर सेम आ रही कि नहीं आ रही इन सबसे, एग्जैक्ट ना निकालना फ्रैक्शन में ही निकाल लेना, कंपेयर करना ही है हमको कौन सा वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है। यस सर सेम आ रही है, सेम आ रही ना, और ये भी तुम कंफर्म करो कि वो VRMS स्क्वायर बाय R सेम नहीं आ रहा है, VRMS बाय जेड का होल स्क्वायर R वाला सेम आ रहा होगा, बस वो VRMS स्क्वायर सेम नहीं आ रहा होगा। यस ये वाला सेम नहीं आ रहा होगा, हो गया सबका? सर एक करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम फिर से बता दिए। अच्छा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे लिखी जाती है। आई नॉट होता है वी नॉट बाई जेड, वी नॉट 220 रूट टू है, 220 रूट टू में जेड यानी कि 100 से डिवाइड करो 2.2 रूट टू आया तो ये बन गया आई नॉट। साइन ओमेगा टी साइन 100 पाई टी फाई, अब फाई क्या है? फेज डिफरेंस। तो ये मुझे सिर्फ बेटा लास्ट एक लाइन बता दो, कौन डोमिनेट कर रहा बेटा, इंडक्टर की कैपेसिटर?
इंडक्टर ना, तो इंडक्टर में, इंडक्टर में भूल जाओ तो फिर मैं लिख दूं, इतनी बार लिखूंगा जितनी बार याद तो होने में तुम्हें चाहिए. सी आई वी आई एल, इंडक्टर में कौन आगे कौन पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, करंट पीछे. तो ये वोल्टेज तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको तुम नहीं चेंज कर सकते, तो दिया हुआ है. तो करंट को पीछे पीछे कर दो, पीछे मतलब माइनस कर दो. कितने डिग्री, 53 डिग्री तुमने निकाला था, कॉस वाई आर वाई जेड, 53 डिग्री माइनस कर दो, दैट्स इट. बोलो बेटा. अब मैं तुमको एक चीज बोलने जा रहा हूं कि अगर तुम लोगों को इतना समझ में आ गया, तो कोई भी सर्किट हो, अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि कोई भी सर्किट हो, एलसीआर ना हो, एलआर हो, आरसी हो, अब कोई भी सर्किट हो, तुमको करना है इसी, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है. तो एक दो मैं क्वेश्चन और इस टाइप से कराऊंगा जहां पे तुमको इनका यूज करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. रेजोनेंस को भी और बताना है मुझे, रेजोनेंस भी अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ. अभी मैं तुम लोगों को फ्रिक्वेंसी के साथ वेरिएशन, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस है ना, ये सारी चीजें बताऊंगा. बट मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए, इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए तब मैं आगे बढ़ूं. ये क्वेश्चन सब लोग रीड कर पा रहे हो? 25 ओम 25 ओम 30 ओम 240 वोल्ट. यस. अब तो नहीं पूछोगे ना ये 240 वोल्ट क्या है, एवरेज थोड़ी ना होता है, पीक नहीं होता है, कौन सा होता है? आरएमएस. हाँ, अभी ये मत पूछना मुझसे आरएमएस है कि नहीं, आरएमएस है, इफेक्टिवली आरएमएस ही दिया होता है, शुरुआत से लेकर अब तक यही गा रहा हूँ. इन द सर्किट शोन इन द फिगर नेगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस, बस जो रेजिस्टेंस है यही है, यहाँ इधर वायर आयर में नहीं कुछ. वोल्ट मीटर और मीटर की रीडिंग बतानी है. वोल्ट मीटर ये है जो एल और सी के अक्रॉस लगा, देखो एल और सी दोनों आ गए उसके एंड पे. और अमीटर का, अमीटर ये अमीटर जो सीरीज में नेट करंट है वो बता रहा है. आरएमएस ये भी बताएगा, जब आप बताओ जल्दी से बना लो कॉपी में, जल्दी से बताओ. वोल्टमीटर जीरो. हाँ, सपोर्ट ऑप्शन. यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड. यस सर, क्योंकि ये सर्किट कौन से स्टेट में है? नेट कितना आएगा? जीरो. वी की वैल्यू 100% जीरो होगी. अब बताओ ये सारा वोल्टेज 240 वोल्ट का आरएमएस यहाँ पहुंच जाएगा. अब तुमको रीडिंग बतानी है, इस सर्किट में जेड कितना होगा, मुझे मैं पूछता जाऊं वो बताओ, इस सर्किट में जेड कितना होगा? 30 होगा. अब अगर जेड 30 ओम होगा तो आई आर एम एस इस सर्किट में कितना होगा? तो आई आर एम एस यही तो होता बेटा, वी आर एम एस बाई जेड. यस, 240 है, जेड 30 है, हैं बोलो, तो 0 0 कट गए, 24/3 कितना आ गया? 8 पूछना हो मुझे बताओ, फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो. पावर फैक्टर कितना होगा? वन. पावर कंजम्पशन होगा कितना? और इसमें क्या पूछा जाता है? करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस जीरो बोल ही चुके हो. फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? ये अगर करंट है तो बताओ वोल्टेज ऊपर दिखाए, नीचे दिखाए, ऑब्लिक दिखाए, कि उसी लाइन पे दिखा देगा? बस समझ गए तुम लोग, बस सब समझ गए. अच्छा, मैं अपने मन से पूछ रहा हूँ, अगर मैं एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दूँ 30 ओम के अक्रॉस, वो कितनी रीडिंग देगा? 240 देगा. अच्छा, अब मैं इसमें एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ, अगर एक वोल्ट मीटर सिर्फ सी के अक्रॉस लगाए वो कितनी रीडिंग देगा? पेन की जरूरत नहीं, जो कुछ है तुम्हारे सामने. 12.5. तो कहाँ पे लगा है? अगर सी के अक्रॉस, सिर्फ सी के अक्रॉस. सिर्फ सी के क्रॉस दोगे तो आई एक्सी जीरो नहीं देगा. एक्सएल और एक्सी के क्रॉस वोल्टेज होंगे, वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में, कितने होंगे? आई एक्सएल, आई एक्सी, आरएमएस वैल्यू 8 25 8 into 25
200 हाँ 200 वोल्ट ये भी देगा, 200 वोल्ट ये भी देगा, बट उल्टे हैं इसलिए जीरो है, समझ रहे हो? 200 वोल्ट बोलो, ये 200 वोल्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? अगर 200 वोल्ट समझ पा रहे हो तभी इसका मतलब तुम्हें मेरी बात समझ में आई। 200 वोल्ट 8 × 25 RMS, IXL, IXC, IR, IXL, IXC, बोलो। यस यस सबको आ गया, तो फिर अगला क्वेश्चन में मूव कर जाओ। इन द सर्किट शोन इन द फिगर करंट मेजर बाय एमीटर, एमीटर कहाँ? ये RMS देता है, हमेशा याद रखना, मत पूछ रहा मुझसे, ये भी RMS है, RMS पूछ रहा है, सब तुम्हारे सामने है, बताओ। तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, बाकी लोग बताओ क्या है आंसर? अच्छा रेजोनेंस है कि नहीं है, इतना बता दो। नहीं। अब मैं एक काम करूंगा, इसका फेजर डायग्राम बना दे रहा हूं वोल्टेज वाला, ये है आई, ये बना मेरा वी आर, मुझे नहीं पता रजिस्टर में कितना वोल्टेज है, ये है वीएल, बोलो वीएल कितना लिखे? 60। वीसी कितना लिखे? 100 और 60 कितने, कितना फेज डिफरेंस है, जीरो का, 90 का कि 180 का? 180। अगले स्टेप में मैं ये कर देता हूं आई, वीआर, वीआर, और ये तुम्हारा वीएल और वीसी, 100 और 60 में से 100 माइनस 60 किया तो 40। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब 40 और वीआर का नेट इधर आएगा, अब नेट कितना है? तो नेट तो 50 वोल्ट है, ये नेट वोल्ट होता है 50 वोल्ट, नेट 50 वोल्ट है, ये नेट है, तो अगर ये नेट 50 है और ये 40 है और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन वीआर है, तो 50² = 40² हाँ समझी गए हो सब लोग, लेकिन तभी मैं लिख देता हूँ वीआर स्क्वायर, तो वीआर की वैल्यू में क्या 30 वोल्ट लिख सकता हूँ? Yes, तो अगर बेटा वीआर 30 वोल्ट है, यानी कि इतना 30 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 30 वोल्ट 10 ओम पे, तो करंट I is equal to V by R लिख सकता हूँ? 3 एम्पीयर। बोलो बेटा समझ में आया 3 एम्पीयर क्यों आया? Yes, sir. हाँ, और 3 एम्पीयर अगर इसमें है तो इन दोनों में कितनी होगी? इन दोनों में अलग होगी, इन दोनों में भी 3 एम्पीयर होगी? तो अब मेरा अगला क्वेश्चन, मैंने नहीं, उन्होंने नहीं पूछा था, बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक्सेल एक्सी बताओ। सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ सर, एक्सेल जो एक्सी हो सर, एक्सेल 180 बेटा सर, 20 तुम मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, v by i करना है ना, v into i तो ना करना है, हाँ 20 और ये 100/3 मुझे अगला क्वेश्चन बताओ, डोमिनेट कौन कर रहा है बेटा, डोमिनेट कौन कर रहा है, एक्सेल कर रहा है कि एक्सी कर रहा है? एक्सी। तो कौन आगे भागेगा, वोल्टेज की करंट? करंट हाँ, तो करंट आगे आगे भागेगी, यानी कि फेज लीड करेगी, करंट लीड करेगी, लिख देता हूँ, करंट लीड करेगी कितने से, फेज डिफरेंस से लीड करेगी, करंट कितने से लीड करेगी? ये देखो करंट वोल्टेज से कितने से लीड कर रही है, ये कितना एंगल है, ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, कितने एंगल से कर रही है? 10 5 10 inverse 4/3 53 degree। अच्छा तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ये रीडिंग ऑफ द, अब मैं मुझे मतलब इस क्वेश्चन को कर लोगे तो मतलब समझ में आ गया तुम लोगों का सर्किट। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वी जी शोन इन द फिगर एट रेजोनेंस, रेजोनेंस है दिया हुआ है,
दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेजोनेंस है 200 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, वो सी है क्वालिटी फैक्टर। अच्छा क्वालिटी फैक्टर अभी तुम लोगों को मैंने नहीं कराया है, तो क्वालिटी फैक्टर भी कराता हूं, बट एक दो क्वेश्चन में तुम लोगों को ऐसे कराना चाहता था जिनमें एलसीआर सर्किट का यूज हो रहा हो, तो और कोई देखता हूं जिसमें हो रहा हो। हाँ ये क्वेश्चन और मुझे बताओ, फिर ये क्वेश्चन और कब डिस्कस कर पाएंगे, आज ही कर लेते हैं ये वाला। ये एक फिगर तुम्हारे सामने है, एक सर्किट है फिगर में जहां पे करंट थ्रू द इंडक्टर, इस इंडक्टर में 1.6 एम्पियर, कंडेंसर में 0.4 एम्पियर है, तो सोर्स में कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है? बोलो। ये आरएमएस वैल्यू है याद रखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं लिखा इसलिए मैंने इनको आरएमएस ले लिया है। अगर इंस्टेंटेनियस होती तो 1.6 और 0.4 का नेट सम यहां पे 2 होता, बट इंस्टेंटेनियस नहीं है ना, ये डीसी सर्किट की तरह, ये आरएमएस है, ये एल है, ये सी है। और एक बात बताओ बेटा, ये दोनों एल ओ सी सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में क्या सेम करोगे, करंट सेम करोगे, वोल्टेज सेम करोगे? वोल्टेज। हाँ तो वोल्टेज सेम है बट करंट सेम फेज में नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस मान लूं जो दोनों में सेम है, तो बेटा कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे भागेगी, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे भागेगी, दोनों की करंट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। आईएल की वैल्यू 1.6 है, आईसी की वैल्यू 0.4 है। अब 1.6 और 0.4 जोड़ के 2 मत बोल देना, 1.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर मत कर देना, ये एलओसी रेजिस्टेंस नहीं है 90 डिग्री वाला, 1.6 माइनस 0.4 क्योंकि अपोजिट है, 180 है, 1.6 में से गए 0.4, 1.2 एम्पियर आना चाहिए, यहाँ पे 1.2 एम्पियर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, एलओसी है 180 डिग्री के फेज डिफरेंस। मैंने तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन कराया था, बट देखो पैरेलल है तब भी मैं तुम्हें सर्किट सॉल्व कराना सिखा रहा हूं, क्योंकि इनमें अगर ये पैरेलल है तो वोल्टेज को रेफरेंस मानो ना मुन्ना, वोल्टेज को रेफरेंस मानो और करंट को, लॉजिक अभी भी वही है कि वोल्टेज अगर कुछ भी एक फिक्स कर दो तो कैपेसिटर में करंट आगे आगे और इंडक्टर में करंट पीछे पीछे होती है, और 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे 180 का फेज डिफरेंस है। अगर इनमें 180 का फेज डिफरेंस है तो इनका नेट तो ऐसे निकालोगे ना बेटा, आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस और पीक कैसे निकालते हो, वेक्टर की तरह, तो 1.6 में से 1.4 गए तो 1.2। बोलो बेटा ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। समझ में आ गया सबको? ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग एलसीआर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लोगे इसका मतलब। हां हां बोलो सर। आईसी को ऊपर क्यों बनाते, आईसी को ऊपर ना बनाओ नीचे बना दो, क्या फर्क पड़ता है, आईसीयू को 1.6। अच्छा आईसीयू को ऊपर अगर वोल्टेज को रेफरेंस माना तब तो बनाना पड़ेगा। एक बात बताओ, सी आई वी आई एल क्या सिखाता है, कैपेसिटर में कौन आगे चलता है, करंट ठीक है सर, वोल्टेज से, तो अगर वोल्टेज को रेफरेंस बनाना तो आगे का मतलब बेटा एंटी क्लॉक ही तो होता है। यस सर। हां सर। हां इसलिए बनाया है, एंटी क्लॉक बनाया है, इसको क्लॉक बनाया, जानबूझ के बनाया, और वो एंटी क्लॉक ही बनाना है और कहीं नहीं बना सकते, क्योंकि आगे आगे मतलब एंटी क्लॉक, इधर दौड़ो ठीक, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा तो आज की क्लास में एलसीआर सीरीज, एलसीआर के सर्किट्स पे थोड़ा और रेजोनेंस के सर्किट में तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, तुम लोगों के क्वेश्चंस कैसे लग पाओगे बुक के? यस। है ना? तो हाँ टाइम मिलेगा तो और प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे तुम्हारा एसी बहुत अच्छा चैप्टर बन जाए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाए। और अभी रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर पढ़ाना बाकी, एलसी ऑसिलेशन पढ़ाना बाकी है, तो ये दो बाकी ट्रांसफॉर्मर तुम लोगों को पहले पढ़ा दिया था मैंने, तो वो पहले से जनरेट करता मैं, तो एक क्लास में थोड़े से और न्यूमेरिकल, और उसी में तुम्हारा एलसीआर के रेजोनेंस पे क्वालिटी फैक्टर, छोटा सा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन करा के अगली चैप्टर, अगली क्लास में तुम्हारा एसी खत्म हो जाएगा, और तुम इसके एसी के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो बुक के, है ना, और लगा डालो, अब लगने लगेंगे, क्वालिटी फैक्टर छोड़ देना, क्वालिटी फैक्टर कराऊंगा, ठीक है, चलो फिर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय सर। थैंक यू सर।